नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं काफी दिनों बाद आपके सामने हिमालयन फाउंडेशन फॉर रिवर्स माइग्रेशन की ओर से अपडेट करना चाहता हूं, जो कि दो विशेष मुद्दे थे। एक तो खेल का मैदान, जिसके लिए कि भूमि का चयन कर चुके हम और भूमि के विक्रेताओं से लगातार बातचीत चल रही है और आशा है कि शीघ्र अगले वित्त वर्ष में इस मुद्दे पर कोई विशेष प्रगति संभव हो जाएगी। दूसरा जो लंबे समय से हम टेकअप कर रहे थे, वो सड़क का मुद्दा था, सिमलता डुंगरा कफना सड़क। उस सड़क का काम, जैसे कि पहले आपको अपडेट किया गया था कि काफी टाइम से रुका हुआ था, जो कि वन विभाग की स्वीकृति नवंबर 2020 में मिलने के बाद काम दिसंबर 2020 में शुरू करवाया गया था, लेकिन कई कारणों से यह काम बीच बीच में विलंबित होता रहा। अब थोड़ा सा काम स्पीड पकड़ा है और उम्मीद है कि इस काम के निकट भविष्य में लगभग एक वर्ष में ये कंप्लीट हो जाएगा। काम की प्रगति का मैं इसी वीडियो में इसके अलावा आप लोगों से एक अपने फाउंडेशन की ओर से अपील करता हूँ कि आप अपने एरिया में, चाहे उत्तराखंड के किसी भी जिले में हैं, वहाँ पर कोई लंबित योजना है उसके बारे में हमें अवगत कराएं। यदि हो सके तो वीडियो द्वारा हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेजें। इसी नंबर से, जो मेरा नंबर है 9999052323, इस पर व्हाट्सएप वीडियो भेज सकते हैं और अपना नाम और अपना पूरा डिटेल, किस एरिया के हैं, गांव का नाम, जिले का नाम, ताकि जिले के संबंधित अधिकारियों से मामले को टेकअप किया जा सके। दोस्तों, यह वीडियो मैं लगभग एक साल के बाद जारी कर रहा हूँ। इसमें पिछले एक साल में कोई विशेष प्रगति कुछ हमारे फाउंडेशन द्वारा भी नहीं की गई, क्योंकि कोरोना की वजह से कई कार्य बाधित होते गए। और साथ ही आपको मालूम है कि उत्तराखंड में फरवरी को चुनाव हुए थे और उससे 6 महीने पहले से ही चुनाव की तैयारी चल रही थी। सभी लोग गाँव के मोड में थे, सभी अधिकारियों को चुनाव की ड्यूटी लगी हुई थी, किसी को पोलिंग की ड्यूटी लगी हुई थी, तो किसी को मशीनें लाने के लिए कई प्रदेशों में भेजा जा रहा था। तो लगभग 6 महीने से सारे काम बाधित पड़े हुए थे। यद्यपि मैंने कम से कम 6 मुद्दे अपने क्षेत्र के उठाए थे, जिसमें कि पेयजल योजना का है, जिसमें भरदार की पेयजल योजना के फेज 2 का मामला उठाया था, जिसमें फेज 1 में लस्तर से रोठा जवाड़ी तक पानी पहुँच चुका है, लेकिन फेज 2 में पानी अभी ऊंचाई वाले गांव, जैसे क्वीला खाल है, सौरा खाल है, ढोंडा है, सौंदा है, खरगेट है, इन सभी गांव में पानी के नल तो लग चुके हैं, लेकिन पानी नहीं पहुंचा है। वो तभी पहुंच पाएगा जब लस्तर भरदार की जो पेयजल योजना है उसका फेज 2 का काम शुरू होगा। जैसे कि आपको कई और माध्यम से पता तो चल ही गया होगा कि फेज 2 का काम अप्रूवल के लिए भेजा गया है और उसमें न केवल नलों का काम होगा, बल्कि उसमें एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, जो कि घंगर खाल में एक टैंक बनाया जाएगा, उस टैंक से क्वीला खाल के हाइट पर से ऊपर और दूसरा टैंक, क्वीला खाल वाले टैंक, पानी बूस्टर पंप के द्वारा भेजा जाएगा। इस योजना के लिए लगभग 14 करोड़ की लागत का अनुमान लगाया गया है, जिस अप्रूवल के लिए भेजा गया है और आशा है कि अगले कुछ महीनों में चुनाव के बाद सरकार बनेगी तो इसका भी अप्रूवल मिल जाएगा और अगले वित्त वर्ष में काम शुरू होने की संभावना है। दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत 2024 तक भारत सरकार को सभी गांवों में पेयजल का पानी पहुंचाना है, तो उम्मीद है कि 2024 तक इन गाँवों में भी पानी पहुँच जाएगा। दोस्तों, मैं आपको इसी वीडियो में सड़क की प्रगति का भी अपडेट करा देता हूं। जो दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है कि रोठा जवाड़ी द्वारा नल विवाद के कारण अगस्त 2021 से के बाद ही यह कार्य शुरू हो पाया, जब कि स्वीकृति नवंबर 2020 में मिल चुकी थी। PMJSY वालों ने सड़क का काम दोबारा 25 दिसंबर 2020 को विधायक जी के कर कमलों से कपना की ओर से प्रारंभ करवाया था, जो कि 2-3 महीने काम चलने के बाद वन विभाग के विभाग बाद में वन विभाग द्वारा
इस विवाद को हटा करके ठेकेदार और पीएमजीएसवाई वालों को कहा कि आप काम शुरू कर लीजिए। इस विवाद को सुलझाने के लिए विधायक श्री भरत सिंह चौधरी जी ने भी हस्तक्षेप किया और कपना की ओर से फिर काम शुरू हो गया। एक दो माह काम चलने के बाद फिर कुछ लोगों ने विवाद खड़ा कर दिया और काम रोकना पड़ा। ठेकेदार 2-3 महीने तक इंतजार करता रहा लेकिन काम शुरू नहीं हो पाया, इसलिए समाधान न मिलने के कारण ठेकेदार ने समूहता की ओर से काम शुरू कराना शुरू किया। सितंबर में ही काम शुरू हो पाया। नल विवाद के कारण काम काफ़ी धीमी गति से चलता रहा और लगभग 2 किलोमीटर जाने के बाद फिर से काम की गति धीमी पड़ गई, क्योंकि एक कठोर चट्टान लगने के कारण जेसीबी मशीन काम करना मुश्किल हो गया। और फिर जनवरी 2022 में फिर से कफना की तरफ से जेसीबी मशीन को ले जाया गया और वहां से काम शुरू किया गया। फरवरी 2022 तक डुंगरा तक सड़क खोदने का काम पूरा हो गया। क्योंकि समलता से कठोर चट्टान लग गई थी तो जेसीबी का काम बंद हो गया था, इसलिए दूसरी जेसीबी वालों ने कपना की तरफ को ही शिफ्ट कर दी और वहां से काम शुरू करवाया। तापली थोक से 0.5 किलोमीटर आगे सड़क बनने के बाद फिर टांग लगने के कारण काम धीरे धीरे हो रहा है। अब लगता है कि सड़क पूरी तरह से बनने में लगभग 1 और साल लगेगा, जबकि पीएमजीएसवाई वालों ने अपनी चिट्ठी से ये बताया था कि 31 मार्च 2022 तक यह काम खत्म हो जाएगा। साथ ही हरिगार्ड में इस पॉइंट पर पुल बनना है और पुल का काम पीएमजीएसवाई के अलावा किसी दूसरी एजेंसी को दिया गया है, जो कि अभी पुल निर्माण की सामग्री लाएगी और उसके बाद काम शुरू करेगी। तो इसलिए पुल के निर्माण होने में कितना समय लगेगा यह कहना अभी मुश्किल है, लेकिन ऐसा लगता है कि जब तक सड़क सही ढंग से पुल की जगह तक नहीं बनती तो पुल निर्माण के लिए जो सामान ले जाना है या जो भी सामग्री या जो बड़े बड़े मशीनें ले जानी पड़ेंगी उसके लिए अभी समय लगेगा। आशा है कि पुल का काम भी जल्दी शुरू हो जाएगा। अब उधर कफना की ओर से जब इन्होंने काम शुरू किया तो 10 किलोमीटर आने के बाद फिर से एक बहुत बड़ी चट्टान ये सामने लग गई और ये चट्टान कम से कम 10 किलोमीटर भरदारी घाट तक है। इस चट्टान को काटने में कम से कम 6 महीने तो उन्हें लगेंगे यदि लगातार काम होता रहा। आशा है ये काम भी समय के हिसाब से लगातार करते रहेंगे तो सड़क का काम 1 साल में पूरा हो पाएगा। दोस्तों आशा है कि ये काम अब लगातार चलता रहेगा और अगले वित्त वर्ष में ये काम पूरा हो जाएगा। बाकी पुश्ते इत्यादि का काम तो चल ही रहा है, ये दोनों तरफ से इसे भी और समुद्र की तरफ से भी जहाँ जहाँ सड़क की खुदाई हो चुकी है वहाँ पर सड़क के किनारे के पुश्ते लगाने का काम लगातार चल रहा है और उम्मीद है कि ये पुश्ते लगाने का काम अतिशीघ्र पूरा हो जाएगा। दोस्तों आज का अपडेट यहीं समाप्त करता हूँ और आगे आपको नए नए अपडेट लाता रहूँगा। दोस्तों यदि ये चैनल पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, साथ ही कमेंट भी करें।